हाय सर। हाय। बाहर भीड़ बहुत थी ना? जी सर, बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी सर। अच्छा। मैं सुबह को आया था और अभी शाम हो चुका है सर। अच्छा अच्छा, कहाँ से आप सारी? सर हम पाली राजस्थान से आए हैं, बहुत ही दूर से आए हैं। वाह वाह। अच्छा आपका नाम क्या है? बेटा नाम बता तेरा। जी पापा। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम तो ज्ञानी देव है सर। आप बताइए आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, फैमिली बैकग्राउंड हमें सब बताइए, जानना है। सर अब मैं काम के बारे में क्या बताऊं सर, ये जो आप मटकी देख रहे हो मेरे लड़के के हाथ में, मैं मटकी बेचने का काम करता हूं सर। और सर मटकी 50 रुपए में बेचने की कोशिश करता हूं लेकिन नहीं बिकती है सर, सिर्फ 40 रुपए में बिकती है सर। मैं इतनी मटकी बेचता हूं, इतनी मेहनत करता हूं, दूर दूर से मटकी लेके आता हूं, बेचता हूं, लेकिन सर पैसा नहीं छूटता है सर, कमाई नहीं रहती है। और सर घर के अंदर 2 बेटियां है सर, अब मैं क्या बताऊं सर, 2 बेटियां जवान हो चुकी है सर, और ये मेरे बेटा ये भी आप देख रहे हो ये भी जवान हो चुका है, इन तीनों की शादी करनी है सर। और सर मैं क्या बताऊं सर, हमारे समाज में ऐसा है कि सर जब बेटियां जवान हो जाती है ना तो सर मोहल्ले वाले और समाज वाले ताना मारने लगते हैं सर, कि इतनी बड़ी बड़ी बेटियों को घर पे लेके बैठा है, कुछ शादी नहीं करता है, कहीं रिश्ता नहीं जोड़ता है। अब मैं क्या बताऊं सर, मेरा धंधा ही ऐसा है सर, मेरे पास पैसा नहीं है सर, बेटे की शादी कैसे करूं सर, कोई किसी की मदद नहीं करता है सर, मैं मेरे परिवार वालों से पैसे मांगता हूं, वो भी मुझे नहीं देते हैं, और मोहल्ले वालों से मांगता हूं, वो भी नहीं देते हैं। अब मेरे पास कौन सा रास्ता है, अगर मैं ब्याज पे पैसा लेके आऊंगा तो सर मेरा घर कैसे चलाऊंगा, कैसे ब्याज भरूंगा सर, अब मैं बेटियों को शादी करूं तो भी कैसे करूं सर, बहुत ही परेशान हूं सर। इसलिए सर मुझे एक भाई ने बोला था कि तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा गाता है, एक बार इंडियन आइडल लेके जाओ, क्या पता तुम्हारा तकदीर चेंज हो सकता है, इसीलिए सर मैं आज इंडियन आइडल में आया हूँ। और मैंने देखा था सर मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, मेरे को विश्वास है सर कि मेरा बेटा यहाँ से जीत के जाएगा। बेटा कुछ बोलना चाहता है? जी पापा मैं भी कुछ बोल बेटा बोलना चाहता हूँ सर, हम बहुत गरीब हैं सर, मेरे पापा मटकी बनाने का काम करते हैं, लेकिन सर मेरे पापा ने कभी भी सुकून की नींद नहीं ली है सर, मैं जब रात को उठकर देखता था तो सही बोल रहा है मेरा बेटा, रोते थे सर मेरे पापा, इतने रोते थे, और मुझे पता है सर आज मेरी आंखें भर आई है क्यों रोते हैं, मेरे घर के अंदर 2 बेटियां है सर, वो जवान हो चुकी है, और सर मोहल्ले वाले समाज वाले ताना मारते हैं सर, और मेरे पापा कहाँ से पैसे लाएंगे, कैसे शादी करेंगे, जिसमें सब सोचते रहते हैं और रात को खूब रोते हैं, हमारे सामने नहीं रोते हैं सर, मैंने रात को उठकर देखा था मेरे पापा बहुत रोते हैं सर, और तो सर मेरे पापा ने कभी भी हरी सब्जी से रोटी नहीं खाई है सर, हमेशा मेरे पापा प्याज और नमकीन भुजिया से रोटी खाते हैं, कभी भी इन्होंने अच्छा खाना नहीं खाया है सर, अच्छा कपड़ा नहीं पहना है कभी भी, क्योंकि सर इनके ऊपर बहुत सारा बोझ है ना सर, जिसलिए सर सही बोल रहा है मेरा बेटा, जिसलिए सर मैंने सोचा कि मैं एक बार इंडियन आइडल मेरे पापा को जरूर लेके चलूं,
इसलिए सर मेरे पापा को इंडियन आइडल में लेके आया हूँ सर। मेरा सपना है सर, मैं भी वायरल होना चाहता हूँ, एक अच्छा गाना गाना चाहता हूँ, सुपरस्टार सिंगर बनना चाहता हूँ। मेरे पापा बहुत मेहनत करते हैं, दिन और रात मटकी बेचते हैं, लेकिन कुछ भी पैसा नहीं बचता है सर। सही बोल रहा है मेरा बेटा। मैं भी मेरे पापा को देखता हूँ, मैं भी खूब रोता हूँ सर। समझ में ये नहीं आता है कि कब अच्छे दिन आएंगे, कब हम खुशियाँ मनाएंगे, कभी नहीं सोचा है सर। आज मेरी आंखें भर आई है, मैं आपको निवेदन करता हूँ कि मुझे एक गाना गाने दीजिए सर। देखिए एक बात तो आपको ये बात हमें बतानी पड़ेगी, और वो दिन दूर नहीं है कि लोगों का नजरिया आपके लिए बदल जाएगा, और एक सुपरस्टार के रूप में आपको दुनिया जरूर देखेगी, बिकॉज इंडियन आइडल ने आपको वो मंच दिया है। मैं इतना ही कहूंगी कि विनीत, मैं नॉट एज दोस्त बट राइट नाउ एज जज आपको बहुत बड़ा हाँ देती हूँ। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है विनीत, और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है विनीत। एवरीबडी सिंग विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे। ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ सर।
यार।